उम्र हरा नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हेलो साथियों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देखना शुरू कर दिए हैं PVR स्टडी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रायंगल एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, इसमें हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे यानी डेफिनेशन, और उसके एग्जाम्पल, उसके फिगर, गुण, अवगुण, परगुण सब कुछ देखेंगे। तो निवेदन होगा क्लास में पूरे टाइम बने रहना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी लेकिन 10-5 मिनट जो भी होगी पूरा समय बने रहना। अगर समझना है क्लास छोड़ के मत जाना, मैथ नहीं आती है बिल्कुल गारंटी के साथ आपको सिखाया जाएगा, बस थोड़ा सा एक डेमो देख लो 10 मिनट, पता चल जाएगा आपको मैथ आने लगेगी पक्का, आज से एक नई उम्मीद आ जाएगी यार। देखो त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले नाम आप देख रहे हो त्रिभुज, देखो एक एक वर्ड पर ध्यान देना चूंकि आपको बेसिक सीखना है। त्रिभुज यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें इधर साइड में लिख करके इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दो तीर धन भुज ऐसा कुछ बन रहा है ना। तीर मतलब आप थोड़ा सा दिमाग अगर घुमाइए तो आपको लग रहा होगा तीर मतलब तीन है ना, भुज मतलब भुजा, भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। आर्म्स नहीं होगा, आर्म्स मतलब ये भुजा नहीं वो भुजा मतलब साइड ये, ठीक। परिभाषा अगर बनाना है, डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इसमें देखो है क्या। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक चीज़ लेकर के कि भैया ये कलम है, ये क्या है, ये कलम है आप जानते हो, अगर कोई कहे इसकी परिभाषा बताओ तो कैसे बताओगे कि कलम की परिभाषा क्या होती है। ज़रा सोचो एक मिनट, थोड़ा सा बस दिमाग का प्रयोग करो। कलम में एक टोपी होती है जिसे कैप बोलते हैं, इसमें एक नोक होता है जिसे चलता है, इसमें स्याही भरी जाती है, इसकी परिभाषा अगर आपको बताना है तो कैसे बताओगे। एक ऐसी डंडी या एक ऐसा वस्तु कैसे बोलोगे, ऐसे कुछ बोलोगे ना, या फिर एक ऐसा पाइप या एक ऐसा धातु का कोई भी टुकड़ा जिसमें इंक भरी जा सके और उससे वाइट पेपर पर लिखा जा सके, उसी को कलम कहते हैं। कलम बहुत प्रकार की होती है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर आपकी एज कहीं 35 से 40 साल के लगभग है तो हम लोग, आप लोग क्या करते थे, स्याही भरते थे उसमें और जो सरपत होता सरकड़ उससे लिखते थे, क्योंकि तब पेन वगैरह था ही नहीं, वैसे हम लोग के समय में तो आ गया था फिलहाल, लेकिन जो पापा लोग पढ़े थे पहले के ज़माने में और लोग, उन लोगों के समय में था। इसके पहले हम बात करें तो आज से 15 साल पहले वो था, क्या बोलते हैं, लोग चाक लेके लिखते थे उस पर, तख्ती पे छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े आते थे जब कापी पेपर इतना ज़्यादा नहीं था, तो आज से 15 साल पहले बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 15-20 साल पहले है ना। तो हर चीज़ की अपनी क्या होती है, एक परिभाषा होती है, एक पहचान होती है, बात समझ रहे ना। तो उसी तरह से त्रिभुज की भी एक अपनी पहचान है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये गलत है। अब कहोगे इसमें क्या गलत है, खुद ही बता रहे हो फिर कह रहे हो गलत है, हाँ इसमें एक वर्ड अगर नहीं जोड़ोगे तो गलत है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, अगर हम तीन भुजा ऐसे घेर दिए, ये खुल गया इसका मुंह इधर को, तो ये त्रिभुज नहीं होगा, फिर ये कुछ और बन जाएगा,